सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किली पाउल एंड उनके सिस्टर हिमा पाउल के बारे में, जो कि ये रहने वाले हैं तंजानिया देश के रहने वाले हैं। और ये लोग आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इन लोगों का एक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। मैं बता दूं कि ये दोनों एक हिंदी सॉन्ग को लेकर के टिकटॉक या शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, और इनका भी यूट्यूब चैनल भी पर्सनल है। और ये दोनों एक सोशल मीडिया पर भारत में छाए हुए हैं, और इन्होंने और ये दोनों सिस्टर एंड भाई हिंदी भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ गाइज, हिंदी का तो छोड़िए, हिंदी का तो बहुत सास मतलब देश का हिंदी का मतलब सॉन्ग करते हैं और अपना बनाते हैं टिकटॉक वीडियो अब हर देश में। लेकिन जो गाइज हम आज बात करने वाले हैं भोजपुरी के स्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि पवन सिंह के गाना पर इन्होंने इन दोनों सिस्टर एंड भाई ने मिलकर एक तीन ठो गाइज मतलब इंस्टा पर वीडियो बना करके डाले हैं। और इन्होंने बोले हैं कि मतलब भोजपुरी जो सॉन्ग है बहुत पसंद है पवन सिंह, मतलब इन लोग फैंस हैं, फैंस हो गए हैं। मैं एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर लिंक आ रहा है गाइज, उस पर क्लिक करके जाकर आप लोग देख सकते हैं। और गाइज डाला था छलका था हम लोग जवानी राजा, जो कि इन्होंने पहला वीडियो क्रिएट किया था, उस पर ये लिखा था कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद गाइज दो ठो और बनाया, यानी तीन ठो गाइज, दो ठो एक इनका है काफ़ी पुराना सॉन्ग है पवन सिंह का, लगावे लू जब लिपस्टिक लाल जीला टॉप लगे लू, यही गाना है गाइज। और तीसरा का जो गाना है अभी हाल ही में डाले हैं, आज ही डाले हैं गाइज, वो गाना है लेला फुदीना, उस गाने पर है। और गाइज जो ये पहला गाना बनाए थे काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, करीब गाइज 15 से 20 मिलियन तक उस पर व्यू चला गया है। और गाइज हम देखें उसका निकाल करके जो उनका प्रोफाइल है, मतलब करीब गाइज 10 से 15 दिन के अंदर में मतलब उधर बाहर में इनका उतना सबसे ज़्यादा वो मतलब लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। समझिए गाइस कितना ज़्यादा भोजपुरी का जो है इंडस्ट्री है, कितना सॉन्ग में आगे चला गया है। और गाइस आप लोग तो जानते ही हैं कि यूट्यूब पर कितना ज़्यादा शॉर्ट मतलब जो भोजपुरी सॉन्ग है केवल ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग में रहता है, हिंदी से ज़्यादा गाइस हम ट्रेंडिंग में भोजपुरी का जो गाना है सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग में रह रहा है। मतलब इस दौर में 2022 से 2023 में भी गाइस इतना ज़्यादा गाना निकल रहा है, इतना ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है। लेकिन गाइस मैं गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही गाइज हम चाहेंगे कि आगे भी सपोर्ट मिले और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम हो पूरा दुनिया में, पूरा देश में, और मूवी भी बने आगे चले। तो प्लीज़ गाइज अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और प्लीज़ गाइज अगर अच्छा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।